भैया हमारे गुरुजी कह रहे थे कि अब तो पेट्रोल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों? पेट्रोल के तो बहुत सारे कुएं हैं। भैया पता नहीं। ये तो दीदी ही बताएंगी क्यों क्यों इतनी जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है दीदी। हमारे गुरुजी कह रहे थे अब तो पेट्रोल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ क्योंकि पेट्रोल का उपयोग तो लगातार हो रहा है ना। और जब भी कोई भी चीज लगातार उपयोग होती रहती है और फिर से पुनः बनने में जिसे वक्त लगता है तो वो तो जल्दी खत्म ही हो जाएगी क्योंकि पेट्रोल सीमित ऊर्जा के स्रोत है ना। हाँ दीदी। दीदी ये सीमित स्रोत क्या होते हैं? सीमित स्रोत वो जिनकी एक मात्रा निश्चित होती है और जिसको पुनः बनने में काफी समय लगता है। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, ये सब करोड़ों वर्ष लगे इनको बनने में क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन है ना। काफी साल तक जीवाश्म से उनके दबे रहने पर ये मिट्टी के तेल और पेट्रोल डीजल के रूप में परिवर्तित हुए। अब करोड़ों साल लगेंगे फिर से उन्हें बनने में है ना। अब धीरे धीरे करके ये जितना ऊर्जा की जरूरत है वो पूरी करने के लिए इनका उपयोग करते चले जा रहे हैं और इनको पुनः बनने में बहुत टाइम लग रहा है। और एक समय जब ऐसा आएगा जब ये स्रोत हमारे पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। अब या तो विकल्प ये हो सकता है कि हम इन ऐसे स्रोत पे निर्भर हो जाएं जो कि पुनः उनका उपयोग कर सके या जो खत्म होने वाले ना हो, वैकल्पिक उनके कुछ वैकल्पिक स्रोत पे हम निर्भर हो जाएं। दीदी ये ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत क्या हैं? ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत ऐसे स्रोत जो कि बार बार उपयोग किए जा सके। अच्छा देखो ये ऊर्जा की हम लोग बात करते हैं, ऊर्जा है क्या जानते हो? नहीं दीदी। बताए। हाँ दीदी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हाँ कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा से क्या होता है? ऊर्जा से हमें काम करने की शक्ति मिलती है ना। हमें शक्ति कैसे मिलती है? ऊर्जा हमें शक्ति भोजन से मिलती है। भोजन से मिलती है। उसी प्रकार से मशीन को चलने के लिए शक्ति मिलती है तेल से है ना। तो जो ऊर्जा है, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक प्रकार की शक्ति होती है जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक होती है। अब हम तो अपना कार्य पूरा करते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं भोजन से, लेकिन मशीनों को भोजन प्राप्त होता है तेल से बिजली से। गाड़ियां तो हमारी तेल से चलती है, बिजली से चलती है, तो उनको चलाने के लिए भाई ऊर्जा की तो आवश्यकता होती है। और उन्हीं ऊर्जा में हमारा जो ऊर्जा का स्रोत है वो हो जाएगा क्या? ऐसा स्रोत जिसको कि हम बार बार उपयोग में ला सकें, या वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत। वैकल्पिक ऊर्जा होती है ऐसी ऊर्जा के स्रोत जिसे पुनः यानी कि बार बार है ना ऊर्जा प्राप्त की जा सके। हम लोग वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत देखते हैं कौन कौन से हैं। तो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत में हमने देखा कौन कौन से स्रोत हैं। सौर ऊर्जा, गतिमान वायु, गतिमान यानी कि जो वायु चल रही है उसकी ऊर्जा, पवन ऊर्जा है ना, जिसे जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, जल में भी ऊर्जा होती है। समुद्री ज्वार भाटा और जैव मास। अच्छा अब इसमें हम लोग सब जानते हैं सौर ऊर्जा, सूर्य, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ना। सूर्य दीदी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। हाँ बिल्कुल सही बताया, सूर्य हमारी ऊर्जा इस पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत जो है वो सूर्य ही है। हरे पौधे भी तो उसी से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं है ना। इसको हम सौर ऊर्जा, तो हमारी वैकल्पिक ऊर्जा है हमारी पहले लेते हैं हम लोग सौर ऊर्जा। धूप में हम लोग क्या करते हैं? कपड़े सुखाते हैं, की मालिश करते हैं। हाँ धूप का इस्तेमाल करते हैं ना। धूप में क्या होती है? जाड़े में दीदी हम लोग बैठते हैं धूप में। हाँ जाड़े में हम लोग धूप में बैठते हैं, हमेशा से हम लोग इसका उपयोग करते चले आ रहे हैं। लेकिन जानते हो खाना पकाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं दीदी। कैसे? हाँ वो बताती हूँ। सूर्य की ऊर्जा, अब देखो खाना जब घर पे पकाते हैं लकड़ी जलती है,
तो कितना धुआं होता है, आंखों में लगता है ना जी दीदी, है ना। तो अब उससे बचने के लिए हम एक ऐसा उपाय निकालें जिससे कि धुआं भी ना निकले और खाना भी पक जाए और लकड़ियां भी हमारी बच जाए जी दीदी, है ना। तो उसमें देखो, उसमें हमारा एक युक्ति है, एक उपकरण है, सोलर कुकर। देखो ये चित्र है मेरे पास जी दीदी। दीदी मेरा एक दोस्त है महेश, उसके क्या उसकी मम्मी के पास ऐसा ही है, उसकी मम्मी इसमें खाना बनाती है। हाँ वो सोलर कुकर है। सोलर कुकर में क्या होता है कि जो खाना पकता है वो सूर्य की रोशनी में उसका उपयोग किया जाता है, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ये देखो ये एक बॉक्स के बक्सा ऐसा है दीदी। इस बक्से में क्या होता है, ये बाहर की ये सतह और अंदर की सतह सब काले रंग से पेंट की हुई होती है, रंगी होती है, क्योंकि काला रंग जो होता है वो सबसे ज्यादा ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। अब इसके अंदर ये भोजन, ये शीशा लगा होता है ना, इससे सूर्य की किरणें इसके अंदर आ जाती हैं। और यहाँ पर ये देखो भोजन पकने के लिए रखे हुए हैं बर्तन जो खाना पकाना है। बस इसमें चपाती नहीं बन पाती है और फ्राई नहीं हो पाता है ना, जो छौंका हम लगाते हैं उसके अतिरिक्त इसमें भोजन पक जाता है, क्योंकि अब ये ढक्कन यहाँ पे ऐसे करके बंद हो जाता है। ठीक, जब ये बंद हो जाता है तो सूर्य की जो रोशनी है वो इस ढक्कन पे, इस पे पड़ती है, इस यहाँ पे भी शीशा लगा हुआ है, इस परावर्तक तल से होते हुए यहाँ तक पहुंचती है। अब ये जब बक्सा बंद हो जाता है, ये बक्सा तब ये बंद हो गया, बाहर ये काला रंग इस पे लगा हुआ है, अंदर भी लगा हुआ है, तो बाहर से ये इतना ज्यादा ऊपर से रोशनी आ रही है सूर्य की, ये इसके अंदर की ऊष्मा अवशोषित करेगी और ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और 2 से 3 घंटे के अंदर इसमें खाना पक जाता है। अब देखो ना तो लकड़ी का उपयोग हुआ, आँख में भी कोई परेशानी नहीं हुई है, वो धुआं भी नहीं लगा और हमारा खाना भी पक्के तैयार हो गया। तो ये हमने वैकल्पिक ऊर्जा ली, कौन सी, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा से हमने भोजन तैयार कर लिया। ठीक है, तो ये महेश के यहाँ सोलर कुकर में ही उसकी मम्मी खाना पका रही है। अच्छा जी, अच्छा, सोलर कुकर में खाना पकाने के अतिरिक्त सूर्य की जो ऊर्जा होती है उससे हम विद्युत ऊर्जा भी उत्पन्न कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सोलर पैनल का, सोलर सेल जो होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। ये देखो ये बड़े बड़े से सोलर पैनल बने हुए हैं दीदी, इसके अंदर सोलर सेल्स होते हैं। जो सोलर सेल होते हैं उनमें उनको सिलिकॉन से बना होता है, किससे बना होता है वो, सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। और एक सोलर सेल के द्वारा कम से कम 0.6 एम्पियर की उष्ण जो है धारा का उपयोग किया जा सकता है, बनता है, बनाती है। अब जो छोटे उपकरण है उनको तो हम इससे चला सकते हैं, लेकिन जब बहुत बड़े बड़े उपकरण होते हैं उनको चलाने के लिए हमें बहुत सारे सेल की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी ना। तो उस समय इन सारे सेलों को आपस में मिला करके, ये देखो ये अल्मोनियम की, हाँ, जोड़ लेते हैं, जोड़ करके, अब ये जब जोड़ लेंगे तब इसको बोलेंगे पैनल, पैनल। और इससे फिर हम विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा इस तरीके से देखो हम लोग ऊर्जा को बचा रहे हैं सौर ऊर्जा का उपयोग करके। अब ये सूर्य से इस पे रोशनी पड़ रही है, ऊर्जा पड़ रही है ये सोलर पैनल पे, ये सिलिकॉन के बने हुए सेल है, अब इससे मिला करके सोलर पैनल और उसमें जोड़ दिया जाता है, इससे हम बैटरी चार्ज कर लेते हैं और बैटरी चार्ज करके जहां भी उसका हमें उपयोग करना है वहां पे हम कर सकते हैं। जानते हो
सोलर इन सेल के उपयोग से सोलर फ्रिज बनी है और हाँ सौर ग्रह भी बना हुआ है, सोलर हाउस, जहाँ पे इन्हीं सोलर पैनल का उपयोग करके लाइटें जलती हैं। भाई बिजली जी दीदी बचानी, बिजली बचानी है जी, उन लाइट को जलाने के लिए क्या करते हैं इन सोलर सेल से दिन के वक्त सूर्य की रोशनी में इनको बैटरी को चार्ज कर लेते हैं और वो रात भर चलती है, फिर दिन में फिर चार्ज हो जाती है। जी दीदी हमारे फोन की बैटरी भी इससे चार्ज होती है? नहीं अभी फोन की बैटरी तो अभी इससे नहीं चार्ज हो पा रही है, लेकिन और बैटरी जिनको चलाने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है उसमें फ्रिज में और जनरेटर ऐसे करके उस जगह पे इसका उपयोग किया जा रहा है और भविष्य में आकर के वो भी हो जाएगा। अच्छा इसके अतिरिक्त सोलर हीटर भी होते हैं जिससे कि हमें गर्म पानी मिलता है, वो भी उसमें भी ये सोलर पैनल लगे होते हैं और जो हाँ और एक जल उष्मक होता है जिसमें कि ठंडा पानी एक तरफ से प्रवाहित होता है और दूसरी तरफ से गर्म पानी हमको मिल जाता है, धूप से वो गर्म हो जाता है ना, सूर्य की ऊर्जा से वो गर्म हो जाता है। ठीक है तो ये तो बात हो गई हमारी सौर ऊर्जा की। हाँ दीदी। उसके बाद बहती हुई वायु, वो भी एक ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है जी दीदी। जिसे हम कहते गतिमान वायु या पवन ऊर्जा ऊर्जा। क्या तुम एक बात ये जानते हो कि हवा जो चलती है उसका भी मुख्य कारण सूर्य ही है? नहीं दीदी। नहीं दीदी। उसके पीछे भी सूर्य की रोशनी है, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है गर्म होता है वायुमंडल, जब वायुमंडल गर्म होता है तब क्या होता है, जो नीचे की हवा वायु गर्म हुई, गर्म होकर के वो ऊपर उठती है और जब गर्म वायु ऊपर उठी तो उस वायु की का स्थान लेने के लिए ठंडी वायु आती है और इससे हवा चलती है। तो पवन ऊर्जा भी सौर ऊर्जा से ही जुड़ी हुई है। अब इस पवन ऊर्जा का उपयोग हम कैसे करते हैं, देखो पवन ऊर्जा में ये चित्र पहचानते हो? जी दीदी, दीदी ये मेरे गांव में दीदी लगा हुआ है। हाँ पवन चक्की है ये, बिल्कुल ठीक बताया। देखो कितनी ये एक पवन चक्की, देखो बड़े रूप में है ना, इससे ब्लेड लगे रहते हैं, ये ब्लेड है इसके। हाँ जब तेज हवा चलेगी तब ये चलते हाँ चलते हैं। ये देखो कई सारी पवन चक्कियां हैं। हाँ दीदी बहुत सारी। तमिलनाडु में पवन ऊर्जा से वायु ऊर्जा है ना, वायु ऊर्जा का उपयोग हम विद्युत ऊर्जा बनाने में कर सकते हैं। बहते हुए जल, ये इसमें भी ऊर्जा होती है। बहता हुआ जल ये भी ऊर्जा का स्रोत है जिससे कि हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। हम लोग बांध तुमने देखे है ना, बांध बना करके इस तेज पानी से दीदी ठीक है इसमें इसके द्वारा भी हम ऊर्जा का उत्पन्न कर सकते हैं और इस ऊर्जा को एकत्रित कर लेते हैं और जब प्रयोग करना होता है तब इसका उपयोग हम विद्युत ऊर्जा बनती है ना, इससे विद्युत ऊर्जा बनाया जाता है, विद्युत ऊर्जा हम का उपयोग कर सकते हैं। जल की ऊर्जा के बाद आ गया समुद्री ज्वार भाटा। अब जानते हो ये समुद्री ज्वार भाटा क्या है? समुद्र में भी तेज तरंगे उत्पन्न होती हैं, ठीक है, इन तरंगों को जब ज्वार भाटा आता है तो करीब करोड़ों लीटर पानी एक साथ वो अपने साथ लेकर के आता है। इसके द्वारा अगर हम इस पानी में भी जो ऊर्जा है उसका उपयोग हम विद्युत ऊर्जा को बनाने में कर सकते हैं। बड़े बड़े टर्बाइन्स लगाए जाते हैं जहां पर इसका हम उपयोग कर सकते हैं। हाँ, दीदी। हाँ और क्या, इससे भी ऊर्जा के संकट को काफी हद तक के खत्म किया जा सकता है। जी दीदी। ये देखो कैसे टर्बाइन लगे हुए हैं और इन जो तरंगे हैं समुद्र की इनका उपयोग हम जी कर सकते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त गोबर, तुम लोगों ने गोबर तो देखा है उससे उपले कंडे बनते हैं, लेकिन उन कंडों का उपयोग हम लोग जब करते हैं तो कितना उससे धुआं निकलता है ना। हाँ दीदी। तो इसके अतिरिक्त कंडों का उपयोग जो हम लोग करते हैं एक दूसरे प्रकार से भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको हम जैव मास या बायोमास, अब इस
ऊर्जा का ये स्रोत है। गांव में देखो ऐसा संयंत्र लगा हुआ है। हाँ दीदी, है ना, इसको हम बायोगैस प्लांट कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, गोबर है और सड़ी गली पत्तियां वो सब डाल देते हैं मुख्यतः इसमें। हाँ, जितने सड़े अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो इसमें डाल देते हैं। इससे जो गैस उत्पन्न होती है उसका उपयोग हम खाना भोजन बनाने में कर सकते हैं। दीदी, नुकसान तो नहीं करेगी ऐसे? नहीं, ये गैस ऐसे नुकसान नहीं करती है। के अंदर क्या होता है, ये तो इस तरीके से दिखता है, ठीक। हाँ जी, जी। ये टैंक अंदर की तरफ गड्ढे में गया है, होता जी है जी। जिसके अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो डाले जाते हैं जी जी। हाँ जी जी। और फिर इससे जो गैस उत्पन्न होती है उस गैस को इन पाइपों की सहायता से घर घर पहुंचाया जाता है और उसका उपयोग हम कर सकते हैं। अब देखो वो तो अपशिष्ट पदार्थ था, उससे भी हमने प्रयोग में ले आए और ऊर्जा के संकट को कम किया। हाँ दीदी, हम गैस का उपयोग करते हैं, कोयला जलाते हैं, लकड़ी का प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है, ये सीमित साधन है, धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं। तो हमें ऊर्जा के ऐसे ही स्रोत का प्रयोग करना चाहिए जो कि हम बार बार जिनका उपयोग कर सके। तो ये है हमारे वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। अब तुम अपने मास्टर साहब से ये कहना कि मास्टर साहब, हम लोग तो भाई ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करेंगे तो हमारा ये सीमित स्रोत जल्दी खत्म नहीं होगा, ठीक है। अब दीदी आ गया समझ में। हाँ, दीदी आज बहुत अच्छा समझ में आया। चलो, अब कुछ परेशानी हो तो फिर पूछना। जी दीदी, कल हम अपने दोस्तों को भी ये सब बताएंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जी दीदी।